नमस्कार, द वायर बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं ऋतु तंवर और एक नजर सुर्खियों पर। चंद्रशेखर आजाद मामले में दिल्ली पुलिस को अदालती फटकार, कहा जामा मस्जिद पाकिस्तान में नहीं है। नए नागरिकता कानून के खिलाफ केरल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इसे संविधान के खिलाफ बताया। माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला ने नागरिकता कानून की आलोचना की, कहा यह बहुत बुरा है। रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि वित्त वर्ष 2019-20 में 16 लाख नौकरियां कम हो सकती हैं। जेएनयू वीसी के विरोध में अर्थशास्त्री अमित भादुड़ी ने एमेरिटस प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दिया। और जम्मू कश्मीर के डीसीपी दविंदर सिंह के घर पर ठहरे थे हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली की 30,000 अदालत में चंद्रशेखर आजाद की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश कामिनी लाउ ने सरकारी वकील को लताड़ लगाते हुए कहा कि भीम आर्मी प्रमुख को विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है। जज ने कहा कि धरने में गलत क्या है, विरोध करने में क्या गलत है, ये व्यक्ति के विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है। पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध के बाद 21 दिसंबर से आजाद जेल में हैं। आजाद के संगठन भीम आर्मी ने 20 दिसंबर को पुलिस की अनुमति के बिना जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक अधिनियम के खिलाफ एक मार्च का आयोजन किया था। नागरिकों के विरोध करने के अधिकार पर जोर देते हुए जज लाउ ने कहा कि आप ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि जामा मस्जिद पाकिस्तान में है। यहाँ तक कि अगर ये पाकिस्तान में भी होती तब भी आप वहाँ जा सकते थे और विरोध कर सकते हैं। पाकिस्तान अविभाजित भारत का एक अभिन्न हिस्सा था। जब सरकारी वकील ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने से पहले मंजूरी की जरूरत होती है, तो जज लाउ ने उसके जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर कहा है कि धारा 144 का इस्तेमाल दुरुपयोग है। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि उन्होंने संसद के बाहर विरोध करने वाले ऐसे कई लोगों को देखा है जो बाद में नेता और मंत्री बने हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में जो बातें संसद में कहनी चाहिए थी वे नहीं कही गई, इस वजह से लोग सड़कों पर हैं। इसके बाद सरकारी वकील ने आज़ाद के एक सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए उनकी जमानत अर्जी का विरोध किया। शुरू में सरकारी वकील ने कथित आपत्तिजनक पोस्ट को आज़ाद के वकील के साथ शेयर करने से इनकार कर दिया। हालांकि इस पर जज ने सख्ती से कहा कि जब तक उस पर कोई विशेषाधिकार का दावा ना करे तब तक उसे शेयर किया जा सकता है। इस पर सरकारी वकील ने आज़ाद के कुछ सोशल मीडिया पोस्ट पढ़े। पोस्ट में CAA और NRC के खिलाफ जामा मस्जिद पर विरोध प्रदर्शन और धरने के लिए आज़ाद ने आह्वान किया था। इसका उल्लेख करते हुए जज ने कहा कि धरने में गलत क्या है, विरोध करने में क्या गलत है, ये व्यक्ति के विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है। पोस्ट को कहीं से भी हिंसक न होने की बात कहते हुए जज ने कहा कि हिंसा कहाँ है, इनमें से किसी भी पोस्ट में क्या गलत है, किसने कहा कि आप विरोध नहीं कर सकते, क्या आपने संविधान पढ़ा है। और अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। केरल सरकार ने नए नागरिकता कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ऐसा करने वाला केरल पहला राज्य बन गया है। केरल की वाम मोर्चा सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि नया नागरिकता कानून संविधान के कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है जिसमें समानता का अधिकार भी शामिल है। ये भी कहना है कि ये कानून धर्मनिरपेक्षता के उस बुनियादी सिद्धांत के भी खिलाफ है जो संविधान का हिस्सा है। देश भर में विरोध प्रदर्शनों का सबब बने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहले ही 60 याचिकाएं लगाई जा चुकी हैं जिनकी सुनवाई हो रही है। नए नागरिकता कानून में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आने वाले गैर मुस्लिमों को आसानी से नागरिकता देने का प्रावधान है, लेकिन इसका तीखा विरोध हो रहा है। विपक्ष इसे भारत की आत्मा पर हमला बता रहा है। सरकार इन आरोपों को खारिज कर रही है। उसका यह भी कहना है कि इस कानून से कदम पीछे खींचने का कोई सवाल नहीं उठता। बीते महीने कानून के विरोध में उत्तर प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में हिंसा हुई थी जिसमें 25 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इस मसले पर कल विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस की अगुवाई में एक बैठक भी की जिसमें विरोध प्रदर्शन को तेज करने पर सहमति बनी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नागरिकता कानून को लेकर भारत में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO सत्या नडेला ने कहा है कि देश की मौजूदा स्थिति दुखद है। नडेला ने कहा कि मुझे लगता है कि जो हो रहा है वो दुखद है, मुझे लगता है कि ये बुरा है। मैं तो भारत आने वाले बांग्लादेशी शरणार्थी को भारत में अगला यूनिकॉर्न बनाने या इन्फोसिस का अगला CEO बनते देखना चाहता हूँ। वो प्रेरणा होनी चाहिए। अगर मैं देखूं तो जो मेरे साथ अमेरिका में हुआ मैं वैसा ही भारत में होते देखना चाहता हूं। नडेला के बयान के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने सत्या नडेला की ओर से जारी बयान में कहा कि हर देश को अपनी सीमाओं को परिभाषित करना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करनी चाहिए और उसके अनुरूप आव्रजन नीति निर्धारित करनी चाहिए। लोकतंत्र में लोग और उनकी सरकार इस पर बहस करें और सीमाओं को परिभाषित करें।
आपको बता दें कि नडेला मैनहट्टन में माइक्रोसॉफ्ट के कार्यक्रम में संपादकों के साथ बातचीत कर रहे थे। इस दौरान बजफीड न्यूज के एडिटर इन चीफ बेन स्मिथ ने नडेला से भारत के नए नागरिकता कानून के बारे में सवाल पूछा था, जिस पर नडेला ने ये प्रतिक्रिया दी थी। नडेला के इस बयान पर इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने कहा कि मैं खुश हूं कि नडेला ने वो कहा जो वो महसूस करते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे अपने आईटी सेक्टर के लोगों में वो कहने का साहस हो जो वो सोचते हैं। मालूम हो कि नागरिकता कानून 10 जनवरी से प्रभावी हो गया। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले या इस तारीख तक भारत में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, पारसियों, जैनों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। नागरिकता कानून के विरोध में देश भर में हुए प्रदर्शनों में अब तक लगभग 26 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं। हिंसा के दौरान यहां 21 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। इस कानून के विरोध में सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षतिपूर्ति के लिए 400 लोगों को नोटिस भी भेजा है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अर्थव्यवस्था में सुस्ती से देश में रोजगार सृजन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चालू वित्त वर्ष में नई नौकरियों के अवसर एक साल पहले की तुलना में कम हुए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष 2019-20 में इससे पिछले वित्त वर्ष यानी 18-19 की तुलना में 16 लाख नौकरियां कम पैदा होने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में कुल 79.7 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए थे। SBI रिसर्च की रिपोर्ट इकोरैप के अनुसार असम, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में नौकरी मजदूरी के लिए बाहर गए व्यक्तियों की ओर से घर भेजे जाने वाले धन में कमी आई है। ये दर्शाता है कि ठेका श्रमिकों की संख्या कम हुई है। इन राज्यों के लोग मजदूरी के लिए पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जाते हैं और वहां से घर पैसे भेजते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में 89.7 लाख नए रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए थे। चालू वित्त वर्ष में इसमें 15.8 लाख की कमी आने का अनुमान है। 2004 से ये आंकड़े राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत स्थानांतरित किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार रोजगार के NPS की श्रेणी के आंकड़ों में भी राज्य और केंद्र सरकार में मौजूदा रुझानों के अनुसार 2018-19 की तुलना में चालू वित्त वर्ष में 39,000 कम अवसर सृजित होने का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी संख्या में प्रवासियों के लिए दिल्ली में नौकरी के अवसरों की संख्या ज्यादा होने के कारण ये राज्य बहुत ही पसंदीदा बन गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि प्रवासी अपने मूल स्थानों पर अपने परिवारों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान दे रहे हैं। और अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जाने माने अर्थशास्त्री अमित भादुड़ी ने वाइस चांसलर M. जगदीश कुमार के विरोध में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एमेरिटस के पद से इस्तीफा दे दिया है। वाइस चांसलर को लिखे पत्र में भादुड़ी ने कहा है कि 1973 से ही उनका JNU से काफी लंबा नाता रहा, लेकिन अब प्रशासन विश्वविद्यालय में बोलने की आजादी और विमर्श को कुचल रहा है। उन्होंने कहा कि इससे मुझे काफी पीड़ा होती है, लेकिन मुझे लगता है कि बिना विरोध दर्ज कराए इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक बने रहना मेरे लिए अनैतिक होगा। विश्वविद्यालय में विरोध का गला घोटा जा रहा है। प्रोफेसर भादुड़ी ने अपने पत्र में लिखा है कि उन्होंने 1973 में एक युवा प्रोफेसर के रूप में विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। बीच में कुछ वर्षों के अंतराल के बाद उन्होंने इसे 2001 में छोड़ दिया। वे लिखते हैं कि JNU में मेरे वर्षों के दौरान कई उचित या अनुचित विरोध प्रदर्शन हुए। प्रशासन ने कई बार मामले को संभाला भी और कई बार नहीं भी संभाल पाए। इसकी वजह से कई बार पढ़ने पढ़ाने का कार्य भी बंद करना पड़ा। अमित भादुड़ी ने जगदीश कुमार की आलोचना करते हुए पत्र में लिखा है कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माहौल को नष्ट करने का प्रयास एक बड़ी और अधिक भयावह योजना के अनुरूप है, जिसमें JNU के प्रमुख के रूप में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अर्थशास्त्री ने कहा कि आप अपने प्रशासन की संकीर्ण मानसिकता को लागू करने का जोर दे रहे हैं और विचारों की अन्य सभी रास्तों को छात्रों के लिए बंद करने पर तुले हैं। अमित भादुड़ी ने प्रोफेसर एमेरिटस के पद से इस्तीफा देते हुए कहा कि मैं केवल उसी तरीके से विरोध कर रहा हूं जो मुझे लगता है कि मेरे लिए खुला है। और अब बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की तरफ। बीते शनिवार को जम्मू कश्मीर पुलिस के DCP दविंदर सिंह को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के साथ श्रीनगर जम्मू हाईवे पर एक गाड़ी में जाते पकड़ा गया। पूछताछ में सामने आया कि सिंह ने श्रीनगर के हाई सिक्योरिटी क्षेत्र में स्थित अपने घर में आतंकियों को ठहराया था। राष्ट्रपति पदक से सम्मानित दविंदर सिंह जम्मू कश्मीर पुलिस की एंटी हाईजैकिंग यूनिट के साथ काम कर रहे थे और श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात थे। सोमवार को उन्हें निलंबित कर दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल मुनीर खान ने बताया कि ये सर्विस रूल है कि जब भी किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार कर हिरासत में रखा जाता है तो स्वतः ही निलंबित हो जाता है। ये बात सिंह पर भी लागू हुई है।
पुलिस ने बताया था कि शनिवार को सिंह को हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकियों सैयद नवीद मुश्ताक और रफी राठेर और इरफान शफी के साथ जम्मू के रास्ते में गिरफ्तार किया गया। जिन दो आतंकियों के साथ सिंह को पकड़ा गया वे मोस्ट वांटेड आतंकी थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए आतंकियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि वे श्रीनगर के इंदिरा नगर में सिंह के घर पर रुके थे। इंदिरा नगर बेहद सुरक्षित माना जाने वाला इलाका है जो बादामी बाग छावनी में है। यहाँ पुलिस, सेना और स्थानीय प्रशासन के बड़े अधिकारी और कई नेता रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को ये सभी लोग सिंह के घर से निकले थे और जम्मू जा रहे थे, जहाँ से संभवतः ये दिल्ली के लिए निकलते। पुलिस ने शनिवार रात को सिंह के घर पर छापा मारा था, जहां से उन्हें दो राइफल भी बरामद हुई थी। आपको बता दें कि संसद हमले के दोषी अफजल गुरु ने 2004 में अपने वकील सुशील कुमार को लिखे पत्र में बताया था कि उस समय हुम हमा में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप में तैनात DCP देवेंद्र सिंह ने उसे एक पाकिस्तानी नागरिक और संसद पर हमले को अंजाम देने वाले लोगों में से एक मोहम्मद को दिल्ली ले जाने और उसके लिए फ्लैट किराए पर लेने और गाड़ी खरीदने को कहा था। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।